नमस्कार मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ सज्जनों जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा परिणाम देने वाला है ये जानकारी देने का प्रयास करते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि चारों केंद्रों के मालिक बृहस्पति और बुध और साथ के अंदर शुक्र भी ये आपके एक ही साथ बैठे हुए हैं सूर्य उनके साथ में बैठे हुए हैं प्रबल राजयोग की जो है प्राप्ति ये करवा रहे हैं तो इस समय पर अगर कोई बहुत पुराना आपका कोई केस चला आ रहा है या बहुत पुराना कोई कर्जा आपका चला हुआ आ रहा है या बहुत पुराना कोई रोग आपका चला हुआ आ रहा है तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी कोई अकस्मात उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है उसके अंदर मंत्री पद भी हो सकता है कोई अधिकारी का पद भी हो सकता है यानी किसी भी प्रकार से हो आपका जो है प्रमोशन इसके अंदर होना ही होना है राहु आपके चौथे स्थान में बैठे हुए हैं तो राहु से सतर्क रहना कोई काम आपका ऐसा ना हो जाए जिससे कि आपको कोई अपयस मिल जाए बदनामी हो जाए उससे बच कर के आपको चलना होगा क्योंकि आपकी जो है सर्विस के अंदर कहीं भी जो है ये राहु कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पर भी ये डाल सकता है तो आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें आपको कोई आक्षेप आ सकता है कोई इल्जाम लग सकता है कोई ब्लेम लग सकता है तो उससे आपको संभल करके चलना होगा शनि आपके बहुत बढ़िया हैं तीसरे स्थान में हैं विजय दिलवाएंगे अच्छे मित्र बनवाएंगे भाइयों से सहयोग होगा यात्रा होंगी लेकिन वो छुटपुट यात्राएं होंगी और उस यात्राओं में कोई विशेष लाभ नहीं होगा अगर इस समय कहीं कोई लंबी यात्रा करना चाहते हो तो ज़रा उसको स्थगित करो बाकी बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया हैं छठे स्थान में हैं और छठे स्थान के अंदर राजयोग ये बना रहे हैं जिसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ और अब आपको कोई भी जो है जैसे प्रत्येक तारीख अब उन तारीखों की जो है जानकारी मैं आपको देता हूँ तो एक और दो तारीख ये आपके लिए कुछ अकारण चिंता देने वाली है लेकिन तीन चार तारीख में आप सफल होंगे आप किसी भी कार्य के करने वाले हैं कई बार लोग ये कह देते हैं अब विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं कहते अब मजदूरों के लिए कुछ नहीं कहते आप किसानों के लिए कुछ नहीं कहते भाई ये मिला जुला फल है ये सभी के लिए है इस राशि से संबंधित जो भी हैं वो किसी भी क्षेत्र में हैं ये उन्हीं को जो कह लाभ देने वाला होता है और पाँच छ तारीख इसके अंदर आपकी जो स्थिति है वो ये है कि व्यापार आपका कोई नया हो सकता है पार्टनर से अच्छे संबंध इस समय पर होंगे अच्छा तालमेल जो है आपका बनेगा पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध होंगे लेकिन 10 और 11 तारीख के अंदर आपका स्वास्थ्य गिर सकता है और 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 तारीख तक ये सात दिन आपके लिए उन्नति के हैं खुशियों के हैं लाभ देने वाले हैं इस समय पर हर प्रकार की आपकी योजना सफल होगी जो योजना आपने पहले से बनाई रख बना रखी रक, है और उसको पूर्ण करने के अंदर अब आप जुट जाइए तत्पर हो जाइए ये कार्य आपके ये समय आपके सफलता का है 19 बीस इक्कीस तारीख इस समय पर अकारण कोई खर्चे आपके बढ़ सकते हैं नुकसान हो सकता है देन लेन ना करें इन्वेस्टमेंट ना करें 22 तेईस तारीख 24 25 और 26 27 तारीख तक का जो समय है आपका ये बहुत ही सुंदर और सुखद है इसके अंदर लाभ यश प्रतिष्ठा मान ये सब कुछ आपको प्राप्त होंगे धन की प्राप्ति होगी परिवार के अंदर अच्छा माहौल इस समय पर रहेगा अट्ठाईस उनतीस तारीख ये इसमें थोड़ा सा चिंताजनक है ये कोई ना कोई अकारण चिंता इस समय पर आपको प्राप्त हो सकती है लेकिन आखिरी जो तारीख़ है तीस तारीख ये आपके लिए उन सब चिंताओं को समाप्त करके खुशियाँ जो है ये प्रदान करेंगी ये जानकारी हमने दी अब और जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं नमस्कार